भिलाई सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण को लेकर रहती है। हालांकि पर्यावरण विभाग के दबाव व कार्रवाइयों के चलते काफी हद तक इस पर काबू भी पाया जा सका है, लेकिन आज भी भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण उतना सुदृढ़ नहीं है जितना होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को गंभीरता से लेते हुए हमने पर्यावरण विभाग का दौरा कर विभागीय अधिकारी से चर्चा की। पर्यावरण को लेकर उन्होंने बताया कि हमने कार्रवाई कर लगातार नोटिस भी जारी किया है। जिन कंपनियों फैक्ट्रियों में पर्यावरण संरक्षण हेतु उपकरण नहीं लगे हैं व पेड़ पौधों की कमी पाई जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण को लेकर पहल करते हुए एक टीम का गठन किया है, जिनके द्वारा सर्वे कर पर्यावरण संरक्षण के लिए फैक्ट्रियों में जाकर जाँच की जाएगी। ये जानकारी पर्यावरण अधिकारी ने न्यूज टीम को दी है। कार्रवाई होगी, टाइम लिमिट तय होगा जी, कहाँ कहाँ पे कौन सा सुधार किया जाना है जी। स्टडी चल रहा, स्टडी कंप्लीट हो गया। किसको लेकर के? पॉल्यूशन भिलाई रायपुर, और उनका स्टडी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। उनका फाइनल रिपोर्ट सबमिशन बाकी, उसके बाद एक्शन प्लान बनेगा। इसमें पॉइंट तय होंगे किस बिंदु पे सुधार किया जाना है, उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। किस कारणों से पॉल्यूशन हो रहा है वो बिंदु तय किए जाएंगे, कैसे कम कर सकते हैं ये एक्शन प्लान बनेगा, और उस पर फिर आगे कार्रवाई। इंडस्ट्रियल लोड का ही खाली नहीं देखेंगे, इसमें गाड़ियों से भी कितना हो रहा है, डस्ट है इंडस्ट्रियल, तो जो भी सोर्स हैं पॉल्यूशन, उनके द्वारा भी अभी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे सुधार कार्य किए जा रहे हैं। अभी जैसे उनके द्वारा ESP बैक फिल्टर वगैरह चेंज किए गए हैं चुके थे, तो इससे थोड़ा पॉल्यूशन, अभी पूरा उनका जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो पुराने लगे हुए तो चेंज होके नए होंगे। नोटिस दिया है, नोटिस की कॉपी मिल जाएगी, अप्लाई भी है बराबर।